अच्छा जी, थैंक यू। भावा नगर पहुंच चुके हैं। भावा नगर से रेकोंगपियो कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? रेकोंगपियो कितना किलोमीटर होगा? ज़्यादा नहीं है, थोड़ा जैसे किलोमीटर, पता नहीं किलोमीटर कितना। ओके, मैं देखता हूँ। पता नहीं होता ना, लोग ऐसे ही बोलते हैं, ज़्यादा नहीं कम नहीं, इससे कुछ समझ में नहीं आता। ज़्यादा कम क्या होता है यार? नंबर होता है, नंबर बताओ। लोग नंबर में बात क्यों नहीं करते, मेरे को समझ में नहीं आता। तो बोला कितना किलोमीटर, तो नंबर आना चाहिए ना। इंस्ट्रक्शन चल रहा है किन्नौर में भी। ये देखो यार, सुंदर सुंदर पहाड़। चलो चलते आगे। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर अगर मगर। कैसा है ये सफर, रखा करो, इमरजेंसी में काम आएगा। अब ये हमारा सुबह का पहला ब्रेकफास्ट, 11 बज गए होंगे लगभग। गाड़ियां बहुत कम है, अभी सुबह है एक तो, और अभी टूरिस्ट वाला चालू नहीं है उतना ज़्यादा नहीं है मतलब। हाँ, धूप आ जाती है तो अच्छा लगता है चलने में। अभी दोबारा से ये पहाड़ की छांव आ जाएगी। ये देखो, बिस्किट वगैरह खाए हैं मैंने अभी अपने इमरजेंसी इमरजेंसी मैं हमेशा बोलता हूँ, ये रख लिया करो जो जो चीज़ मैं बोलता हूँ। आज का दिन ज़्यादा, अब मेरी पूरी जर्नी में जो एडवेंचरस जो सबसे दिन रहा है वो आज का दिन है। अभी तक हमारे पास कोई होस्ट नहीं है, देखते हैं शाम तक क्या बनता है, कहाँ रुकते हैं। ठंड भी है इस इलाके में तो काफ़ी, देखते हैं। इन टू द वाइल्ड, यही तो मज़ा है। पर थोड़ा सा वो भी लगता है कि रात को भाई कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं। भारत यात्रा अपनी चालू है। वैसे बहुत मुश्किलें हमने सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि टेंशन हो रही है या वो, पर हाँ एक कहीं ना कहीं अब लग्जरी की आदत हो गई है मुझे। मेरे को इतने सारे होटल वगैरह मिलते रहते हैं, सब कुछ मिलता रहता है फ्री में, बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो अब एक लग्जरी की आदत हो गई है ना, तो, तो कोई बात नहीं। अपना पुराना टाइम नहीं भूलना चाहिए बस, वरना फिर मुश्किल होती है। लग्जरी की आदत हो जाएगी तो फिर इसमें मुश्किल लगेगी, ट्रक में मुश्किल लगेगी अगर अच्छी गाड़ी की आदत हो जाएगी तो। कोई बात नहीं, मज़ा आएगा। आदत नहीं लगनी चाहिए किसी चीज़ की, इसीलिए वो सब करते रहना चाहिए जिससे हम बने हैं। लिफ्ट नहीं मिल रही है यार, टू व्हीलर। हेलो हेलो, कैसे हो? बादशाह हेलो, आपको मैंने ब्लॉग देखा है। ओके, थैंक यू, पहचान लिया। देखा था साउथ में, गए थे आप? हाँ साउथ में भी गए। हाँ वो देखा था मैंने। ओके, आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली लोकल हूँ। ओके, लाहौल से? दिल्ली में हूँ। हाँ, रहता दिल्ली में हूँ। अच्छा, ओके, मैं भी दिल्ली से हूँ। अच्छा, हाँ, कहाँ जा रहे हो? मैं स्पीति जा रहा हूँ। स्पीति, अच्छा। अभी फिलहाल तो मेरे साथ वाइफ है, हम लोग फ्यूल भरने जा रहे हैं। हाँ,
फ्यूल करने जा रहे हैं, नहीं तो मैं आपको लिफ्ट दे देता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धन्यवाद, अच्छा लगा मिलकर, थैंक यू, आराम से जाइएगा, थैंक यू। तो ये अभी ऐसे लोग मिलते रहते हैं, अच्छा लगता है, काफ़ी लोग पहचानते हैं यार हमको, ब्लॉग देखा आपका, कोई भी आके ऐसे गाड़ी रोक लेते हैं। फिर कई बार मैं ना रीशूट करता हूँ, मतलब वो आते हैं ऐसे, फिर मैं बोलता हूँ दोबारा जाओ, दोबारा रिकॉर्ड कर मैं कैमरा ऑन करता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ आप दोबारा आना, दोबारा बोलना मैंने आपका ब्लॉग दे। मेरी मार्केटिंग तो मेरा ब्लॉग ही है ना, मैं मार्केटिंग में थोड़ी ना पैसे खर्च करता हूँ। थैंक यू। आप कहाँ तक जा रहे हो? पेट्रोल पंप डेढ़ सौ मीटर। कितना किलोमीटर है यहाँ से? डेढ़ किलोमीटर सर। डेढ़ किलोमीटर, ओके। फिर यहाँ से वापस चले जाओगे आप? नहीं, मैं वहीं पे जॉब करता हूँ। वहीं पे रुकोगे आप? मैं तो स्पीति तक जा रहा हूँ। अच्छा, आप क्या पैदल जा रहे हैं यहाँ पे? हाँ, मैं पैदल कर रहा हूँ पूरा। अच्छा, आप यूट्यूब चैनल? हाँ, ट्रैवल विदाउट मनी। ट्रैवल विदाउट मनी, हाँ ठीक है, थैंक यू। अभी तो गाड़ी अच्छी चल रही होंगी ना इस रोड पे? अब हाँ जी, मिल जाएगी मुझे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ये भाई पेट्रोल पंप पे ही जा रहे हैं डेढ़ किलोमीटर, तो मैंने बोला लंबी लिफ्ट लूँगा मैं कोई, फिर बैग उठाना, बैग डालना और बैग निकालना डेढ़ किलोमीटर के लिए वर्थ नहीं है, उतना काम तो बैग डालने और बैग निकालने में एफर्ट लग जाता है, सब बढ़िया पीछे वाली गाड़ी ले लूँगा। कभी कभी होता है जो ऐसे इलाके में रहते हैं कि भाई ये इलाके से निकल जाएँ बस, तो डेढ़ किलोमीटर आधा किलोमीटर कितना भी हो उसमें बैठ जाता हूँ मैं, पर यहाँ तो पूरा ही रोड ऐसा ही है, डेढ़ किलोमीटर बाद भी ऐसे ही होगा। अच्छा है, अभी यहाँ से ऊपर से कोई कवाल लगा रहे थे, आओ भाई साहब चाय पानी, मैं बोला नहीं पहले पहुँचते हैं। मेंटल पीस के बिना ना खाना हो पानी हो कुछ नहीं अच्छा लगता, मेंटल पीस सबसे ऊपर। मेंटल पीस तब होता है जब मैं कुछ व्यवस्थित हो जाए, कोई कॉल आ जाए आगे से, कोई मैसेज आ जाए कि हाँ आप इस रास्ते में हो हमारे बस पहाड़ अच्छे हैं इस वक्त और एनर्जी भी है, मतलब ठीक है, पर थोड़ी थोड़ी थकान है। पैरों को बांधे बेड़िया, बताए सौ कहानियां, तू रोशनी तू रंग है, तू उड़ रही पतंग है, बना है गाड़ी आई है रोकी, इधर से आ रहे थे ये, इन्होंने एकदम से फोन मार के होता है। हेलो, हाय, हिमाचल पहुंच गया? हाँ, अभी जाना कहाँ? स्पीति, आप जानते हो क्या मुझे? जानता हूँ, यूट्यूब चैनल देखता हूँ यार। ओके, हेलो, मैं अभी पीछे देख रहा था, आप था शिमला? शिमला, शिमला से भी थोड़ा ओके ना, नारकंडा है। हाँ अच्छा, थैंक यू। अब चलो मैं वापस आता हूं। बंगाल से? मैं बंगाल से हूं। आप वापस क्यों जाओगे? इधर क्यों? मेरा इधर ही शॉप है पीओ में। ओके, तो आप इधर कहां जा रहे थे फिर अभी? मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं। ओके, 10-15 मिनट में मैं आ रहा हूं वापस। ओके, रिटर्न आ रहा हूं। पीओ जाओगे? मेरा भी पीओ का टारगेट है, मिलूंगा रास्ते में, आ जाओ आ जाओ। अरे बाप रे, इतने सारे लोग मिल रहे हैं। कई बार तो मेरा कैमरा भी ऑफ रहता है, फिर मैं रिकॉर्ड नहीं करता, मेरा निकल जाता है। मेहनत भी लगती है पर भाई ऐसे नहीं, मेरे शुरुआत के तो सारे ब्लॉग मैंने डिलीट भी कर दिए, वो तो कोई देखेगा नहीं वो मेरी मेहनत बेकार गई।
जो मैं पहले क्या करता था ना, वो मोबाइल से क्या करता था, तो वो सारे मैंने डिलीट कर दिए। हवा चल रही है बहुत ठंडी, देखता हूँ रेकोंग पियो तक बनेगा शायद टारगेट। हाँ आज संडे तो कम चलती है। ओके देखते हैं, बिल्कुल। ये लोग पेट्रोल पंप पे गए थे और वापस भी आ गए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। काफ़ी एडवेंचरस दिन है आज और नज़ारे तो हैं ही अच्छे, मज़ा आ रहा है। चलो और शेयर किया करो यार। बाय बाय।